Good morning, student. Today we will discuss about Unit 4 BED course. Paper code BED116, paper title Teaching of Hindi. Hindi section ke antargat hum 4th unit ko aaj hum padhenge. Iske antargat aapke Unit 4th mein aapke 5 point hai. Pehla point hai aapka pathya pustako evam purak pustako ka mahatva, visheshtaye, nirman तथा मूल्यांकन. इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, पूर्व पुस्तकों का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, विशेषताएं क्या है, पाठ्य पुस्तकों एवं पूर्व पुस्तकों का निर्माण हम कैसे करते हैं और उसका हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन टॉपिक को कवर करेंगे. जिसके अंतर्गत सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों का अर्थ, पूर्व पुस्तकों का अर्थ, उनका महत्व, उपयोगिता या आवश्यकता, तीनों आप समानार्थी शब्द हैं. आपके इस प्रकरण के अंतर्गत ये तीनों शब्द समानार्थी हैं. पाठ्य पुस्तकों तथा पूर्व पुस्तकों की विशेषताएं या आपके हम कह सकते हैं गुण. पाठ्य पुस्तकों और पूर्व पुस्तकों का निर्माण हम कैसे करते हैं, यानी पाठ्य पुस्तकों को हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसको कौन कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं, और आपका लास्ट टॉपिक है आपका मूल्यांकन. हम स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक. पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, ऐसी पुस्तक जिसमें विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का मार्गदर्शन करती है, उन पुस्तकों को हम पाठ्य पुस्तकों की श्रेणी में रखा जाता है. सामान्य शब्दों में विषय के अंतर्गत जितने भी प्रकरण हैं उनको समुचित रूप से हम एक किताब के माध्यम से उनको हम संकलित करते हैं. वो सभी प्रकरण आपके एक सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होते हैं, उसको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं. ये अध्यापक की एक सहायक सामग्री होती है जो कक्षा कक्ष के अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का मार्गदर्शन करती है, यानी कि विषय को आसान बनाने का एक माध्यम होती है. इनकी हम परिभाषाएं देखें. शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार आपकी कुछ परिभाषाएं हैं. एक है आपके ए सुजैलो के अनुसार, शिक्षक के अस्त्रों में पाठ्य पुस्तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षक की सहायक सामग्री के अंतर्गत, यानी कि विषय को सरल बनाने का एक माध्यम है. होन के शब्दों में, शिक्षक शिक्षण विधि एवं पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु के सुधार में अच्छी पाठ्य पुस्तक का स्थान सर्वोपरि है. हालक्वेस्ट के अनुसार, पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं तथा अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित है. पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ना, गहन अध्ययनिष्ठ पठन हमने पढ़ा था, व्यापक अध्ययनिष्ठ पठन हमने कहा था, तो सूक्ष्म अध्ययनिष्ठ आपका गहन अध्ययनिष्ठ पठन के अंतर्गत आपका आता है. इसके अंतर्गत जब हम बारीकी से बिल्कुल एक एक बिंदु को, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द वाक्य को हम ध्यान से बिल्कुल गहराई से हम जब पढ़ते हैं, वो आपका गहन या सूक्ष्म अध्ययनिष्ठ अध्ययन के अंतर्गत, जो आपके पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत आपका ये प्रयोग में लाया जाता है. अगर हम स्थूल शिक्षण की बात करते हैं, स्थूल अध्ययन की बात करते हैं, वो आपका पूर्व पुस्तकों के अंतर्गत आता है, जिसमें हम बाहरी रूप से हम उसको पढ़ते हैं, यानी कि बाहरी रूप से उसको, यानी कि यात्रा वृत्तांत है आपका, एकांकी आपका, निबंध है आपका, उपन्यास है, जिनके अंतर्गत आपका वो प्रयोग में होता है, वो आपका व्यापक पठन के अंतर्गत आपका आता है. आगे है आपका नेक्स्ट, आपका पूरक पुस्तकें. पूरक पुस्तकों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों की सहायक पुस्तकों को हम पूरक पुस्तकें कहते हैं, या हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तक को हम पूर्व पुस्तक कहते हैं. इसके अंतर्गत आपकी कहानियों की, आपके यात्रा वृत्तांत, आपकी पौराणिक कथाएं, आपकी एकांकी, आपकी निबंध है, आपके उपन्यास है, जो इसमें आपकी जीवनी है, ये पूर्व पुस्तकों के अंतर्गत संकलित होते हैं. स्थल अध्ययन के लिए पूर्व पुस्तकों की आवश्यकता होती है. हम कह सकते हैं व्यापक अध्ययन जो होता है, स्थल अध्ययन को हम व्यापक अध्ययन के नाम से भी जानते हैं. जो व्यापक अध्ययन के लिए बाहरी रूप से हम जब पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें आपको एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की, या हम कह सकते हैं एक एक वाक्य की जानकारी लेना अनिवार्य नहीं होता, इसमें हम बाहरी रूप से पढ़कर पढ़ते हैं, वो आपके आपकी पूरक पुस्तकों के अंतर्गत आप कहते हैं.
उसके बाद आपका है पूर्व पुस्तकों के माध्यम से भाषागत योग्यताओं के विकास के साथ साथ हम निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के में भी सहायता मिलती है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी के मनोरंजन करने में, उसकी रुचि विकसित करने में, पठन को विकसित करने में, सृजनात्मक योग्यताओं की वृद्धि में, कौशल को विकसित करने में, व्यक्तित्व के निर्माण में, और आसान शब्दों में सबसे अहम, विद्यार्थी का किसी विषय में रुचि को जागृत करने में पूरक पुस्तकों की अहम भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्य पुस्तकों और पूरक पुस्तकों की विशेषताएं, विशेषताएं या आपके गुण। इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी पुस्तक की आपकी दो विशेषताएं आपकी अहम होती हैं। दो रूप से हम इसको विभाजित करते हैं। पहला पॉइंट है आपका बाह्य विशेषताएं और दूसरा पॉइंट है आपका आंतरिक विशेषताएं। बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत एक पुस्तक के जो बाहरी जो उसका आवरण है उसको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत हम रखते हैं। आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत जो पुस्तक के अंतर्गत जो आपकी यानी कि उसकी शैली है, उसकी शुद्धता, उसकी उपयोगिता, उसके प्रकरण, उसके कंटेंट्स, उसके सब्जेक्ट मैटर्स, वो कहीं ना कहीं उसमें मैटर करता है। पहला पॉइंट हम बात करते हैं बाह्य विशेषताओं की। इसके अंतर्गत क्या क्या आपके, सबसे पहले आपका पुस्तक का नाम अच्छे शब्दों में होना चाहिए, सरल और छोटा नाम आपका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका आकार, पुस्तक का आकार यानी कि एक आदर्श आकार आपका पुस्तक का होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी पुस्तक नहीं होनी चाहिए, पुस्तक का आकार आपका आदर्श वे में आपका होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका कागज, जो पुस्तक के अंतर्गत जो हम कागज इस्तेमाल करते हैं, जो कागज को प्रयोग में लाते हैं, कागज आपका अच्छी गुणवत्ता का आपका कागज उसमें प्रयोग किया होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका मुद्रण यानी कि जो उसमें हम टाइप फॉर्म होते हैं, जो हम उसमें लेखनी आपकी होती है पुस्तक के अंतर्गत, शब्दों का जो आकार होता है वो आपका सही होना चाहिए यानी कि जो आपकी टाइपिंग होती है यानी जो शब्द है वो आपके सही रूप में आपके होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिल्द यानी कि पुस्तक का जो बाहरी आवरण है, क्योंकि आजकल जो बच्चे वर्तमान स्थिति में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बच्चे पुस्तक को जल्दी से फाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं उसको, इसलिए पुस्तक की जिल्द आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बाइंडिंग जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यानी कि आपकी उसके अंतर्गत गुणवत्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका मुख्य पृष्ठ यानी पुस्तक का जो आपका मेन जो पहला जो आपका मेन मुख्य पृष्ठ जो आपका होता है वो अच्छा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, जिसको देख के विद्यार्थी उसको आकर्षण के अंतर्गत आपका है। लास्ट पॉइंट आपका उसका मूल्य यानी कि जो पुस्तक का जो मूल्य होना चाहिए, जो खुदरा मूल्य होना चाहिए वो आपका कम होना चाहिए। ज़्यादा मूल्य वाली पुस्तकें बच्चे खरीदने में कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं। बाहरी विशेषताओं को हम निष्कर्ष वे में हम कह सकते हैं कि जो पुस्तक का जो नाम है वो आपका अच्छा होना चाहिए, नाम सरल संक्षिप्त स्पष्ट एवं आकर्षक हो सभी, उसके बाद उसका आकार अच्छा होना चाहिए, छोटा या बड़ा ना हो, उसका एक आदर्श आकार हो, उसके पर पृष्ठ की संख्या कम रहे। उसके बाद कागज़ की बात करते हैं, पतला या चमकीला नहीं होना चाहिए, छोटी कक्षा में बड़े आकार की कागज़ की पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, उसकी छपाई अच्छी होनी चाहिए, अक्षर बहुत छोटे ना होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े होने, प्रारंभिक कक्षा में मोटे अक्षर हम छपाई कर सकते हैं, पर ऊपर वाली जो हम कक्षाओं में जाते हैं उसमें आपके बड़े अक्षरों की उपयोगिता कम हो जाती है। उसके बाद हम निष्कर्ष में हम कह सकते हैं उसका आवरण आकर्षक होना चाहिए, उसमें उसके अंतर्गत अच्छे अच्छे चित्र वर्णन होना चाहिए जिससे बच्चे की रुचि उसमें जागृत हो पाए। हम निष्कर्ष में इसी तरह से हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक की बाहरी विशेषताओं के अंतर्गत हम इसको आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत हम निम्न बातों को हम शामिल करते हैं। सबसे पहला है आपका विषय के अनुरूप होनी चाहिए, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें या पूरक पुस्तकें हैं वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जिस कक्षा स्तर के अनुसार हम पुस्तक का निर्माण करते हैं उसकी विषय की सभी सामग्री उसके अंतर्गत निहित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आपका शुद्धता का यानी कि इसमें भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक को शुद्ध होना चाहिए। यदि पुस्तक की भाषा अशुद्ध है तो उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं अरुचि जागृत हो सकती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सार्थकता यानी कि उसकी जो सार्थकता है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छी पुस्तक की विशेषता है उसमें जो कंटेंट्स है, जो उसमें प्रकरण है, जो उसमें विषय सामग्री है वो अच्छी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, तभी उस पुस्तक को हम अच्छी पुस्तक के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद आपकी उपयुक्तता के अंतर्गत हम
कह सकते हैं कि उपयुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त के अंतर्गत यानी कि जो उसके आंतरिक विशेषता यानी कि जो उसका विषय सामग्री हो वो उपयुक्त होना चाहिए, विद्यार्थी के स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगला विषय आपका पॉइंट है, इसमें रोचक होनी चाहिए। जो उसकी पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तक की विशेष सामग्री है वो आपकी रोचक होनी चाहिए, जिसमें बच्चे की रुचि कहीं ना कहीं जागृत हो पाए, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ पाए, यानी कि उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। उसके बाद आपका उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जो आपके किसी भी विषय के जो आपके उद्देश्य होते हैं वो पाठ्य पुस्तक उस उद्देश्य को कंप्लीट करते हुए होनी चाहिए, जिसमें उद्देश्य हम कह सकते हैं, इसमें उद्देश्य आपके आपके संज्ञानात्मक उद्देश्य, आपके भावात्मक या प्रभावात्मक उद्देश्य आपके, और आपके मनोक्रियात्मक उद्देश्य, उन उद्देश्यों के अनुरूप आपकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कक्षा स्तर, यानी कि जिस भी कक्षा स्तर के अनुसार हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं वो उस कक्षा स्तर के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए, और बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए हम उस पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम उस पुस्तक को हम अच्छी पुस्तक की श्रेणी में रख पाएंगे। उसके बाद उसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए। जिस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो सामग्री है वो व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग में लाया जाना चाहिए, यानी उसका ज्ञान है जो वो व्यवहार के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं, डेली लाइफ में हम उसको यूज होने वाला होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसका भाषा अधिकार, यानी कि भाषा उसमें सरल सुगम आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करें, जिससे विद्यार्थी के कहीं ना कहीं हम रुचि को अभिरुचि को उसके उसको डेवलप कर सकते हैं, उसकी बुद्धि को उसके अंतर्गत हम जागृत कर सकते हैं, उसकी तर्क शक्ति को हम उसको विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चित्र वर्णन, यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक विशेषताओं के अंतर्गत, यानी कि जब पाठ्य पुस्तक में जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर अच्छे अच्छे चित्रों के माध्यम से अगर हम उसका वर्णन करते हैं, विषय का जो प्रकरण है उनका वर्णन करते हैं, तो पाठ्य पुस्तक आपकी अच्छी पाठ्य पुस्तक की उस पुस्तक को हम श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद आपका सरल से कठिन, यानी कि जो आपके पाठ्य पुस्तक के जो आपके कंटेंट्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, वो आपके सरल से कठिनता की ओर होनी चाहिए। जो आपकी उपागम होनी चाहिए वो आपके सरल शब्दों से लेकर हम कठिन शब्दों की तरफ हम अग्रसर होने चाहिए, यानी अच्छा होने। लास्ट पॉइंट है इसमें विषय सामग्री, यानी कि जो उसके कंटेंट्स है वो आपके जिस कक्षा कक्ष को ध्यान में रखते हैं हम पाठ्य पुस्तक या पूरक पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, वो सभी के सभी प्रकरण उसके अंतर्गत निहित होने चाहिए, तभी हम उस पुस्तक को यानी कि वो सिलेबस यानी पाठ्यचर्या को का जितने भी प्रकरण है वो कंप्लीट करने वाले होने चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो है। इसमें हम निष्कर्ष में हम कह सकते हैं आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत कि भाई एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हम उसको मानेंगे जिसके जो विषय के अनुरूप हो, उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, आदर्शवादी हो, क्रमबद्धता उसके अंतर्गत हो, रोचकता उसके अंतर्गत हो, स्तर के अनुसार वो हो, आपकी शुद्धता उसके अंतर्गत हो, सार्थकता उसके अंतर्गत हो, विषय विविधता उसके अंतर्गत हो, मौलिकता उसके अंतर्गत हो, शैलीगत विविधता उसमें अंदर हो, कौशलों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार भाषाधिकार के को ध्यान में रखते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक का हम निर्माण करते हैं, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक की भारी विशेषता आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। आपका पाठ्य पुस्तकों एवं पूरक पुस्तकों का महत्व, आवश्यकता या उपयोगिता, ये आपका फाइनल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। इसकी ये क्वेश्चन आपका बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत आपका पूछा जा सकता है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तकों का महत्व, आवश्यकता या उपयोगिता, तीनों समानार्थी शब्द आपके विषय के अनुरूप। पहला पॉइंट है आपका ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम ज्ञान को कहीं ना कहीं प्राप्त करते हैं। पुस्तकें हमें पूर्व का, वर्तमान का और भविष्य का, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य का हमें ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान ही मुख्य आपका साधन है। दूसरा पॉइंट है आपका गृह कार्य में सहायक, यानी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी घर पर जाकर अपने गृह कार्य को करने में कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक आपकी एक अच्छी भूमिका उसमें निभाती है। पुस्तकों के द्वारा ही छात्र गृह कार्य अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संग्रहण यानी कि पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत सभी जो आपके विषय के से संबंधित जितनी भी सूचनाएं वो एक जगह एकत्रित होती है, विद्यार्थियों को इसमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होता। बच्चों को गृह कार्य या उसको रिवीजन करने के लिए उसको पाठ्य पुस्तक को वो पढ़ सकते हैं।
अगला पॉइंट है आपका शिक्षक के लिए मार्गदर्शक, यानी कि पाठ्य पुस्तक या पूरक पुस्तक कहीं न कहीं शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, शिक्षक के भी ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि करती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षक का जो आपका व्याख्या है, जो आपका लेक्चर है, उसको प्रिपेयर करने में कहीं ना कहीं ये साधन यानी कि माध्यम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका विषय को दोहराने में सहायक, यानी कि पाठ्य पुस्तकें पूरक पुस्तकों के अंतर्गत इनकी सहायता से हम विषय जो हम कक्षा कक्ष के अंतर्गत विषय पढ़ते हैं उसको घर पे जाके विद्यार्थी आसानी से उसको दोहरा सकते हैं, जिससे उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या विषय को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है सर्वसुलभ साधन, यानी पाठ्य पुस्तक सभी हर जगह आपकी आसानी से ये प्राप्त हो जाती है, यानी कि कहीं भी हम बुक शॉप पे जाकर हम इसको आसानी से खरीद सकते हैं, ये यानी कि हर जगह ही आपको लेके जा सकते हैं हम इसको और हम इसको उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रुचि विकसित करने में सहायक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के और पूरक पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी की रुचि को हम कहीं ना कहीं इसमें जागृत कर सकते हैं। अगर अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो विद्यार्थी की रुचि को कहीं ना कहीं जागृत, जिस बच्चे का जिस विद्यार्थी का पढ़ने में किसी विषय को पढ़ने में अगर उसकी रुचि नहीं है तो पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी की रुचि को हम विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समता को विकसित करने में सहायक, यानी कि किसी बच्चे की जो समता है, जो उसकी लर्निंग पावर है, कैपेबिलिटी है, उसकी समता जो है सीखने की, जो उसकी समता है, उसको कहीं ना कहीं हम विकसित कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों से विद्यार्थी लगातार अभ्यास के माध्यम से अपनी समता को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका शब्द भंडार में वृद्धि, पाठ्य पुस्तकों में निहित जो शब्दावली है बहुत विस्तृत है, इसमें इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये हिंदी का है, पर कई कई बच्चों को, आप लोगों को कहीं को प्रॉब्लम होगी कि भाई शब्द भंडार क्या है, इसलिए मैं साथ ही साथ एक दो वर्ड इंग्लिश में इसके बता रहा हूँ कि आपको आपकी आसानी के लिए, आपको सरलता के लिए, कि आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं इसको बार बार आपको इसको बता रहा हूँ इंग्लिश में भी। वोकेबुलरी पावर को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण शक्ति का विकास, यानी जो हमने किया है, जो हमने पढ़ा है, जो विद्यार्थियों ने जो जो जिस स्तर पर पढ़ा है उस स्तर को जानने के लिए, यानी कि उसका हम निरीक्षण करने के लिए कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकों से हम पढ़कर उसके बाद अपनी कार्य क्षमता को कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, उसको निरीक्षण कर सकते हैं, ये निरीक्षण शक्ति को विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मितवई साधन, मितवई यानी कि जो पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तक है वो बाजार से आसानी से हम सरलता से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये ज़्यादा खर्चीली नहीं होती। बाकी जो साधन है आईसीटी की हम कह सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, वो बहुत महंगे साधन है, वो कहीं ना कहीं सभी आम जो विद्यार्थी वो उसको लेने में सक्षम नहीं होते। मितवई पाठ्य पुस्तकों को सभी बच्चे आसानी से कहीं ना कहीं ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको खरीद सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कम खर्चीली कहीं ना कहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम के ज्ञान में सहायक, यानी कि पाठ्य पुस्तक के विषय के अंतर्गत जो संबंधित जो पाठ्यक्रम का जो ज्ञान है उसको देने में सहायक रहती है, उसमें अहम भूमिका अपनी निभाती है। ये अध्यापक के लिए और विद्यार्थियों के लिए दोनों के लिए अहम भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से अध्यापक पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को पूरा करवाते हैं, तथा विद्यार्थी भी पुस्तक के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को, अपने करिकुलम को कंप्लीट करते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम के ज्ञान में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सत्रानुकूल शिक्षा के लिए, यानी जो विद्यार्थियों का जो स्तर है, जो जिस स्टैंडर्ड में जिस कक्षा कक्ष के अंतर्गत हुए उनकी शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक अपनी अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका परीक्षा में सहायक, पाठ्य पुस्तक परीक्षा के दिनों में बहुत अहम भूमिका निभाते, इसके माध्यम से हम परीक्षा से पहले पाठ्य पुस्तकों की सहायता से हम अपने पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को, हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़कर हम परीक्षा में अच्छा हम कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ये परीक्षा के अंतर्गत काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौशलों के विकास में, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो विद्यार्थी के जो आपके कौशल हैं उन कौशलों को हम विकसित कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग कौशल हैं, चाहे उसमें आपका श्रवण कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है, वाचन कौशल है, जिसके माध्यम से हम अपने पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम अपने कौशलों को विकसित करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका खाली समय का सदुपयोग। खाली समय का सदुपयोग ये जब हम खाली समय में हम बैठे हुए तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम अपने खाली समय को अच्छे से हम प्रयोग में ला सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी के लिए जब खाली समय, जब छुट्टियों का समय हो तो, या हम असहज महसूस कर रहे होते उस समय हम पाठ्य पुस्तकों के को पढ़कर हम अपने समय का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभ्यासरार्थ पर्सन, यानी जो अभ्यास के जो पर्सन होते हैं, जो हम टॉपिक, जो हम प्रकरण कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से हम उनको पर्सनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनसे संबंधित हम जो भी प्रश्नों के प्रकार हैं, आपके लघु प्रश्न है, आपके निबंध पर निबंधात्मक प्रश्न है, जो आपके MCQs प्रश्न है, यानी कि जो आपके वन एक शब्द के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनका हम कहीं ना कहीं हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके परीक्षा के संदर्भ में हम उन प्रश्नों को हम तैयार कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तकों की सहायता से हम प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी भाषा की जानकारी। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से या एवं पूरक पुस्तकों के माध्यम से हम भाषा की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस पाठ्य पुस्तकों को हम बार बार अभ्यास के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं या पूरक पुस्तकों को हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें भाषा की एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। भाषा की जो संरचना, उसका उसके जो शब्दकोश है, उसकी जो व्याकरण है, मुहावरे, लघोक्ति, गद्य पद्य रचनाओं की हमें कंप्लीट वे में यानी संपूर्ण रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये विषय, ये ज्ञान को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका आपकी निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्याकरण की जानकारी। पाठ्य पुस्तकों में पूर्व पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी व्याकरण की जानकारी एकत्रित करता है और व्याकरण के साथ साथ व्यावहारिक व्याकरण की भी जानकारी प्राप्त करता है। व्याकरण जो हम लिखते वक्त या हम पढ़ते वक्त हम उसमें प्रयोग में, व्यावहारिक व्याकरण जो हम आम बोलचाल की भाषा में जब जिस व्याकरण का हम प्रयोग करते उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका और लास्ट पॉइंट, स्वाध्याय की भावना में सहायक। यानी जब जिस विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि नहीं है तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कहीं ना कहीं रुचि और स्वयं से पढ़ने की उसकी आदत, यानी स्वाध्याय का यहाँ पर अर्थ है कि हम स्वयं से जब हम अध्ययन करते हैं वो आपका स्वाध्याय है। यानी बच्चा खुद से जब अपनी मेहनत करके जब पढ़ता है वो स्वाध्याय की भावना, यानी जो उसका इंटरेस्ट है उसको डेवलप करता है, यानी स्वयं से उसको पढ़ने की आदत को विकसित करता है। इसी के साथ साथ इन पाठ्य पुस्तकों और पूर्व पुस्तकों के महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के अंतर्गत इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। वो क्या है, जो शिक्षा के आपके उद्देश्य हैं वो आपके उद्देश्य कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकें पूर्व पुस्तकों के माध्यम से हम शिक्षा के जो उद्देश्य उनकी प्राप्ति करते हैं वो उद्देश्य आपके क्या क्या हैं। आपका पहला पॉइंट आपका मानसिक विकास में सहायक। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी के मानसिक विकास में वृद्धि होती है या हम मानसिक विकास में वो एक अहम भूमिका आपका निभाता है। दूसरा पॉइंट है आपका भावात्मक विकास में सहायक। जो कविताएं हैं पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत, हिंदी की पाठ्य पुस्तक की अगर हम बात करें तो उसमें जो कविताएं हैं, रस होते हैं, जो कला पक्ष होता है, उसके माध्यम से बच्चे के भावात्मक विकास में हम कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं। भावात्मक विकास में वो कहीं ना कहीं सहायक होती है, उसके भाव में वृद्धि हम करते हैं। अगला पॉइंट आपका सामाजिक विकास में सहायक। जो आपकी साहित्यिक से रिलेटेड जो आपकी जानकारी है, जो आपके अगला पॉइंट है आपका सामाजिक विकास में सहायक। सामाजिक विकास, एक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों और पूरक पुस्तकों के माध्यम से वो सीखता है एक समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका हम किस तरह से अदा कर सकते हैं, उसकी जो नैतिक मूल्य है उसकी हमें जानकारी कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। जो सामाजिक मूल्य है उनकी जानकारी प्राप्त करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अगला पॉइंट आपका सांस्कृतिक विकास में सहायक। जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं और पूर्व पुस्तकों, उनके अंतर्गत आपके काफ़ी सारे आपके प्रकरण साहित्यिक से रिलेटेड, साहित्यिक को ध्यान में रखते हुए आपके हैं, सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए, आपके नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, आपके साहित्य को ध्यान में रखते हुए होते, तो उनके माध्यम से विद्यार्थी की सांस्कृतिक साहित्यिक कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास में कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक और पूर्व पुस्तक एक अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद आपकी सभ्यता की जानकारी। पाठ्य पुस्तकें
लोग पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी सभ्यता की कहीं ना कहीं जानकारी की, हमारा कल्चर क्या, हमारा रहन सहन खान पान वेशभूषा हमारी क्या है, उसकी कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होती है। नैतिक मूल्यों के नैतिक विकास या नैतिक मूल्यों में सहायक नैतिक मूल्य जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज है, वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों पूर्वक पुस्तकों के अंतर्गत विषयों को पढ़कर प्रकरण को पढ़कर कहीं ना कहीं नैतिक विकास को में उसकी जो मॉरल वैल्यूज हो वो कहीं ना कहीं अपने आप में डेवलप करता है। उसके बाद आपकी तर्क शक्ति को विकसित करता है, जो उसकी एनालिटिक पावर है, जो उसकी रीजनिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जब वो सोचता है, अभ्यास के माध्यम से सोचता है, थिंकिंग उसकी एबिलिटीज, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो उसकी रीजनिंग पावर है, वो आपकी उसकी विकसित होती है। सृजनात्मकता के अंतर में वृद्धि पाठ्य पुस्तकें पूर्व पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी की जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो एक अलग ढंग से जो काम करने की जो कला है वो विकसित होती है, यानी कि वो सामान्य बच्चों से अपने आप को अलग रखता है। उसके अंतर्गत जो एक अच्छी आदत का विकास होता है वो सृजनात्मकता को कहीं ना कहीं वो वृद्धि करता है। उसके साहित्य की जानकारी, व्यवहारिक ज्ञान में सहायक, आत्मविश्वास और पाठ्य पुस्तकों और पूर्व पुस्तकों के निरंतर अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थी के अंतर्गत आत्मविश्वास बहुत काफ़ी स्तर तक बढ़ जाता है, जिसमें विद्यार्थी के अंतर्गत जो घबराहट होती है वो कम हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उसकी कंटेंट्स जो उसकी कंटेंट्स नॉलेज है, उसकी इंटरेस्ट जो लेवल है, उसकी कैपेबिलिटी जो उसकी है, उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, यानी कि पाठ्य पुस्तकें पूर्व पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी के जो व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं निर्माण उसमें होता है, व्यक्तित्व के निर्माण में वह अहम भूमिका निभाती है। और लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत हम निष्कर्ष वे में हम कह सकते हैं विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के अंतर्गत सहायक, या हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास में सहायक। पाठ्य पुस्तकें पूर्व पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हम कर सकते हैं। विद्यार्थी जब पढ़ता है उसकी जानकारी प्राप्त करता है, उसकी उसके व्यक्तित्व का निर्माण, उसका मानसिक, उसका बौद्धिक, उसका भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व की भावना, सहयोग की भावना, सृजनात्मक शक्ति, साहित्य सभ्यता, नैतिक तर्क शक्ति, बौद्धिक शक्ति, वाद विवाद शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियों का, यानी कि हम कह सकते हैं विद्यार्थी का संपूर्ण उसके पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्य पुस्तक और पूर्व पुस्तकों का निर्माण, कि हम पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तक को, या हम कह सकते हैं पुस्तक को हम निर्माण किस तरह से हम करते हैं, किन किन बातों को, किन किन सिद्धांतों को हम ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तक का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका विषय के अनुरूप, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक जो पूर्व पुस्तक है उसको जब हम बनाते हैं तो आपका जो विषय है, जो आपका मान लो हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी विषय की जो बुक है, हिंदी के जितने भी विषय हैं, विषय के अंतर्गत जितने प्रकरण, उनको ध्यान में रखते हुए हम पुस्तक का निर्माण करते हैं, यानी कि विषय के अनुरूप आपकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। उसके बाद है कक्षा स्तर के अनुसार, जिस कक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, उस कक्षा के जितने भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जितने भी प्रकरण हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तक का हम निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं छठी कक्षा का हम उदाहरण लेते हैं कि अगर छठी कक्षा का उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं तो उसमें जो भी जितने भी प्रकरण हैं उनके अनुसार, उसकी भाषा शैली के अनुसार हम कक्षा वो आपका कहीं ना कहीं हम उसका निर्माण करते हैं, यानी उस कक्षा के अनुसार ही उसके अंतर्गत आपके प्रकरण सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट आपका सरल से कठिन की ओर, इसमें क्या है, पुस्तक में लिखे गए जो प्रकरण है इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि वह सरल से कठिन, यानी जो अप्रोच होती है, जो उपागम होता है हमारा, सामान्य शब्दों से कठिनता की ओर हम उसको लेके जाएं। पहले सबसे पहले हम कह सकते हैं आसान प्रकरण, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, उसके बाद बहुत मुश्किल, इस तरह से इस क्रम में हम कहीं ना कहीं इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तकों का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात का नियम का भी हम इसमें अनुसरण करते हैं।
अगला पॉइंट आपका उद्देश्यों के अनुसार, जो पाठ्य पुस्तक और पूर्व पुस्तकों का हम निर्माण करते हैं वो आपके उद्देश्य, जो उसके विषय के जो उद्देश्य हैं, चाहे उसमें आपके संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, चाहे आपके भावात्मक या प्रभावात्मक उद्देश्य हैं, या आपके मनोक्रियात्मक उद्देश्य, उन उद्देश्यों के, उस विषय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि हम या पूर्व पुस्तक का हम निर्माण करते हैं, यानी उद्देश्यों को फुलफिल करने वाली आपकी पुस्तक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, जिस कक्षा कक्ष के अनुसार हम को ध्यान में रखते हैं पुस्तक का निर्माण करते हैं, तो उस कक्षा कक्ष के जो मानसिक स्तर है विद्यार्थियों का उसको ध्यान में रखते हैं पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, छात्र किस आयु वर्ग के हैं, उनका मानसिक स्तर किसका है, उनके अनुरूप हम पुस्तक लिखते हैं। यदि छोटे बच्चों के लिए पुस्तक आसान शब्दावली व छोटी पंक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों के लिए अगर मुश्किल शब्दों का प्रयोग करते हैं या मुश्किल जो आपकी कठिन शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो पुस्तक की कम हो जाएगी। इसलिए हम बच्चों के स्तर के यानी उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक या पूर्व पुस्तकों का निर्माण हम करते हैं। उसके बाद आपका शुद्धता एवं स्पष्टता, यानी शुद्धता यानी कि जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं वो आपकी शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जो उसमें मैसेज है वो आपका क्लियर होना चाहिए। यानी शुद्धता से हमारा अभिप्राय यहाँ पर जो उसके अंतर्गत हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो उसमें शैली का प्रयोग करते हैं, कम से कम बहुत कम अशुद्धि उसमें उसके अंतर्गत एक पुस्तक के अंतर्गत हो। अगर ज़्यादा अशुद्धि उस पुस्तक के अंतर्गत होंगी तो उसको उस पुस्तक की शुद्धता कहीं ना कहीं नहीं होगी, वो पुस्तक अच्छी नहीं होगी, वो क्वालिटी वाइज उसकी गुणवत्ता वाइज गुणवत्ता के अनुसार वो पुस्तक अच्छी श्रेणी में हम उसको नहीं रख सकते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पुस्तक आपकी शुद्ध शब्दावली के अंतर्गत होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, जो मैसेज जो लेखक जो बताना चाहता है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका भाषा शैली, यानी पुस्तक के अंतर्गत आपकी अच्छी भाषा का, अच्छी भाषा शैली का उसके अंतर्गत आपका प्रयोग होना अनिवार्य है। पुस्तक की भाषा शैली व शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों को समझने में कठिनाई ना हो। तकनीकी शब्दों व कठिन शब्दों को अंग्रेजी व अर्थ सहित स्पष्ट करना चाहिए, यानी कठिन शब्दों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं कक्षा स्तर के अनुसार, अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका साथ के साथ उसका अर्थ भी उसके अंतर्गत निहित होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो है। उसके बाद आपके उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो पाठ्य पुस्तक की जो शब्दावली है, जो शब्दों का लिखने का जो ढंग है, उसमें जो शब्द हैं वो अच्छे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगर हम कठिन शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो कठिन शब्दों का साथ के साथ उसका अर्थ उसके अंतर्गत निहित होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये पाठ्य पुस्तक आपकी अच्छी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्य पृष्ठ का आकर्षित होना, जो आपका पुस्तक का जो मेन जो मुख्य पृष्ठ है, मुख्य आवरण है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें जो आपकी पुस्तक का जो विषय है यानी टाइटल है वो अच्छा होना चाहिए, जो ऑथर है उसका नाम अच्छे से होना चाहिए, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, तब ये विद्यार्थियों को आकर्षित करने में, कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चे होते हैं वो तभी आकर्षित होते हैं जब पुस्तक दिखने में अच्छी होती है, यानी उपयुक्त उसमें मुख्य पृष्ठ आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, जो उसके अंतर्गत रेफरेंसेस है, जहाँ से हमने जो भी पाठ्य पुस्तक का हमने निर्माण किया है, जहाँ से भी जो भी कंटेंट्स, जो भी विषय सामग्री हमने जहाँ से ली है वो उसके अंतर्गत आपकी निहित होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में। लास्ट में आपका संदर्भ ग्रंथ सूची उसमें होनी चाहिए, यानी कहाँ कहाँ किस किस पुस्तक की सहायता से, किस किस नेट की किस साइट से, कहाँ से हमने ये पॉइंट्स लिए हैं, वो उसमें कंप्लीट फॉर्म में आपकी लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत होनी चाहिए। उसके पाठ्य वस्तु के स्रोत, यानी जो आपकी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु के स्रोत यानी कि पाठ्य पुस्तक को बनाते वक्त हमने कहाँ कहाँ से जो भी सहायता ली वो उसमें हम डिटेल्ड फॉर्म में हम उसमें लिखते हैं, और पाठ्य वस्तु यानी जो उसका कंटेंट्स है, जो उसका आपका इंडेक्स है, वो आपका अच्छे से होना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो उसके उद्देश्य है वो आपके सबसे पहले प्रारंभ में उद्देश्यों को हम अंकलित करते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के उद्देश्य जो है आपके सबसे प्रारंभ में उसमें होने चाहिए।
लास्ट पॉइंट है आपका मुद्रण व प्रकाशन। मुद्रण के अंतर्गत यानी जो पाठ्य पुस्तक जो हमने लिपिबद्ध की है, जो टाइप किया है, वो मुद्रण आपका अच्छा होना चाहिए, उसका आकार अच्छा होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कब किस ईयर किस वर्ष इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, वो साफ स्वच्छ शब्दों में आपका होना चाहिए। उत्तम प्रकार के कागज का प्रयोग इसमें होना चाहिए, शब्दों का उचित आकार में छापना होना चाहिए, यानी कि तभी हम उसको कह सकते हैं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक, उसका मुद्रण और प्रकाशन उसका क्लियर होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं जो हमने आंतरिक और बाह्य विशेषताओं को हमने पाठ्यपुस्तकों पूर्व पुस्तकों की आंतरिक एवं बाह्य विशेषताओं को जो हमने पढ़ा है, वही आपका निर्माण में अहम भूमिका आपकी निभाती है। आंतरिक व बाह्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? जो हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी हमने बात की है कि बाहरी आपकी बाहरी विशेषताएं, आपके आंतरिक विशेषताएं, बाहरी विशेषताओं के अंतर्गत उसका उसकी जलद अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपकी उसकी बाहरी विशेषता है, उसका कागज का अच्छा होना चाहिए, कागज का कलर अच्छा होना चाहिए, फॉन्ट साइज आकार उसका अच्छा होना, शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जलद अच्छी होनी चाहिए, उसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये आपकी बाहरी विशेषताओं के अंतर्गत। और आपकी आंतरिक विशेषताओं की हम बात करते हैं रिविजन के तौर पर, पुनरावृत्ति के माध्यम से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पुनरावृत्ति की आपकी अभ्यास के लिए आपके लिए अच्छी रहेगी। आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करते उसका आपके विषय के अनुरूप होनी चाहिए, कक्षा स्तर के अनुसार होनी चाहिए, विद्यार्थी की रुचि के को जागृत करने वाली होनी चाहिए, कक्षा स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, उसमें कंटेंट्स जो आपके प्रकरण वो अच्छे होने चाहिए, पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने वाला होना यानी पाठ्यचर्या को पाठ्यचर्या के अनुसार होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए, उसके स्तरानुकूल होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए, विषय विविधता होनी चाहिए, उसमें उपयुक्तता होनी चाहिए, उसके अंतर्गत उसके मौलिकता उसके अंतर्गत हो, शैली उसमें अच्छी हो, ये आपके हम कह सकते हैं पाठ्यपुस्तकों की आंतरिक और बाह्य विशेषताएं थी। ये इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्यपुस्तक और पूरक पुस्तकों का हम निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं अच्छी पाठ्यपुस्तक का और या पूरक पुस्तक का निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट है आपका थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन, और आशा है आपको ये आपका टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई डाउट रहता, कोई समस्या होती तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा। ओके, नमस्कार।